हेलो एवरीवन, मैं संतोषी चौधरी और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल माय कॉलेज बड़ी में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सीट्स एंड फी इन आईपी बीएड कॉलेजेस की, जो हमारे बीएड के कॉलेजेस हैं आईपी यूनिवर्सिटीज में, उनकी फीस कितनी है, वहाँ की सीट्स वहाँ पे कितनी है कि ताकि स्टूडेंट्स जो है ईजिली अप्लाई कर सकें। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आईपी बीएड के कॉलेजेस, टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस, फीस स्ट्रक्चर या इन सब में कितनी सीट्स हैं लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में जो है डाउट रहते हैं, तो इन्हीं डाउट्स को मैं आज के इस वीडियो में क्लियर करूंगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आईपी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन के लिए और बीएड में जो एडमिशंस के लिए जो आईपी यूनिवर्सिटी होती है वो अपने खुद के ही एंट्रेंस एग्जाम जो है कंडक्ट करवाती है, साथ में वो जो पेपर कोड यूज करती है यानी सीईटी यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि आप एलिजिबल हो जाएंगे एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए आईपी यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि आईपी यूनिवर्सिटी में जो है 24 कॉलेजेस हैं और जो भी वो कॉलेजेस हैं वो उनके जो लोकेशन है वो दिल्ली एनसीआर में है। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आईपी यूनिवर्सिटी में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 24 कॉलेजेस हैं, उसमें से एक कॉलेज जो है वो गवर्नमेंट है, काफी अच्छा कॉलेज है वो, जिसका नाम है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा कॉलेज है, गवर्नमेंट तो ये है ही, साथ में जो है इसमें इजिली स्टूडेंट्स को जो है एडमिशन नहीं मिल पाता है क्योंकि इसमें रैंकिंग काफी ज्यादा हाई जाती है और स्टूडेंट्स जो है एडमिशन इजिली नहीं ले पाते हैं, इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है तब जाकर इस यूनिवर्सिटी में जो है स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल पाता है। साथ में इस कॉलेज की जो फीस है वो है हमारी 60,000 पर ईयर, यानी कि देखा जाए तो 2 साल की फीस होगी हमारी 1,20,000 तक फीस होगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टूडेंट्स जो है नहीं ले पाते हैं इस कॉलेज में इजिली एडमिशन। वहीं देखा जाए तो इसमें एक प्राइवेट कॉलेज भी है, यानी कि महाराजा जस सूरजमल कॉलेज, ये हमारा प्राइवेट कॉलेज है और इसमें भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं इजिली एडमिशन्स नहीं ले पाते हैं, उनको भी नहीं मिल पाता है इसमें एडमिशन्स क्योंकि इसकी भी रैंकिंग काफ़ी ज़्यादा हाई जाती है। और साथ में वहीं बात करें कि आईपी यूनिवर्सिटीज में जो कॉलेजेस हैं वो 24 हैं, यानी कि हर कॉलेज में जो है 100 सीट्स खाली है, यानी कि 2400 सीट्स जो हैं वो खाली है आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर। तो इस आईपी यूनिवर्सिटीज में अगर आपको एडमिशन्स चाहिए तो आप लोगों की रैंकिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज जो है आप लोगों को एडमिशन्स नहीं मिल पाएंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हर कॉलेज में 24 कॉलेजेस हैं, वहीं देखा जाए तो सीट्स की बात की जाए तो 2400 सीट्स वहाँ पे खाली हैं, तो इजिली स्टूडेंट्स जो हैं अप्लाई कर सकते हैं, बस वही है कि उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी कोर्स या कॉलेजेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक फॉर्म दिया गया है, देन फिल आउट दिस फॉर्म एंड फ्री एनालिसिस और एक्सपर्ट काउंसलर भी हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं वो इजिली क्लियर कर दिए जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर दें, बस आप लोगों को फॉर्म जो दिया गया उसे फिल आउट करना है। अगर चाहते हैं आप इसी तरह की वीडियोज़ हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और फॉलो करना ना भूलें।